अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी रेसिपी, तो देखते हैं अब क्या तैयार होने वाला है। लज्जत प्रोग्राम में आपका वेलकम करती हूँ, मैं रमनी रलन और आज आपको अपने किचन में बनाना सिखा रही हूँ थाई क्रिस्पी नूडल्स एंड कैरमल सॉस। उसके लिए हमें चाहिए नूडल्स, बेबी कॉर्न, कैरेट्स, शुगर, चिली सॉस, धनिया पत्ता, विनेगर, कैप्सिकम, लेमन लीव्स, हरे प्याज का पत्ता, टमाटर, स्प्रिंग अनियन गोल कटा हुआ, नमक, काली मिर्च, रेड चिली पेस्ट, धनिया पाउडर एंड मशरूम्स। सबसे पहले हम तेल गरम करके कढ़ाई में तेल रखेंगे, उसको खूब अच्छा गरम करके इसमें हम नूडल्स डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसको गोल्डन फ्राई करना है हमें। नूडल्स अबाउट 250 ग्राम नूडल्स हम ले सकते हैं। इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई में से निकाल के पेपर पर रखते हैं ताकि इसमें ऑयल जो है वो निकल जाए। अब हम एक और पैन लेते हैं, उसमें हम डालेंगे सेसमी ऑयल। आप चाहे तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है वो भी यूज कर सकते हैं, एक बड़ा चम्मच। और इसमें हम डालेंगे चीनी अबाउट 4 टीस्पून और इसको हम कैरेमल करेंगे शुगर को। इसी के साथ हम डालेंगे अनियन थोड़े से रिंग्स में कटे हुए। चीनी को कैरमल कलर होने तक हम इसको कुक करते हैं। आप चाहे तो इसमें गार्लिक का फ्लेवर डालना चाहते हैं तो 1/2 टीस्पून गार्लिक भी इसी के साथ ही डाल देंगे हम प्याज के साथ। ये चीनी ब्राउन कलर में आ गई है। अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं, कैरेट है, बेबी कॉर्न है और कैप्सिकम। और अब हम डालते हैं थोड़ा सा नमक अबाउट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पेस्ट अबाउट 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और मशरूम। और अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। वन कप वाटर। और थोड़े से स्प्रिंग अनियन लीव्स, लेमन का पत्ता,
व्हाइट विनेगर, फोर टीस्पून, और धनिया लीव्स अबाउट एक बड़ा चम्मच, एंड चिली सॉस टू टेस्ट कर सकते हो अबाउट वन टीस्पून और टू टीस्पून, इसको खूब अच्छे से हम कुक कर लेते हैं। अब इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का पेस्ट डाल सकते हैं हम, अबाउट टू टीस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल के इसमें डाल देंगे। और तेज सेक पे हम इसको थिक कर लेते हैं। टू टीस्पून, थ्री टीस्पून, जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना कॉर्नफ्लोर घोल के हम इसको डालेंगे, धीरे धीरे करके जितना थिक चाहिए हम उतना ही डालेंगे। थोड़ा सा और इसमें पड़ा कॉर्नफ्लोर यूज कर लेते हैं। अब ये रेसिपी बन गई है हमारी। अब हम ये जो फ्राइड नूडल्स हैं इसको डालेंगे इसके सेंटर में डिश के, और इसको हम इसके आसपास डालेंगे। और इसको गार्निशिंग करेंगे टमाटोज के साथ। थोड़ा कलरफुल दिखता है, रेड कलर, और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लीव्स ऊपर से डाल देते हैं ग्रीन लुक के लिए, और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। अब ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, आप इसको सर्व कर सकते हो डिनर और लंच में। क्रिस्पी नूडल्स विद कैरामेल सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए नूडल्स 100 ग्राम, बेबी कॉर्न कटे हुए 1/4 कप, गाजर कटी हुई 1/4 कप, चीनी 4 चमचे, चिली सॉस 1 चमचा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चमचा, सिरका 4 चमचे, हरी शिमला मिर्च कटी हुई 1/4 कप, लेमू के पत्ते 4 अदद, हरे प्याज के पत्ते कटे हुए 1 चमचा, टमाटर कटे हुए सजाने के लिए हरी प्याज कटी हुई 1/4 चमचा, नमक 1/2 चमचा, काली मिर्च पाउडर 1/4 चमचा, रेड चिली पेस्ट 1/2 चमचा, धनिया पाउडर 1/2 चमचा, मशरूम 1/4 कप। क्रिस्पी नूडल्स विद कैरामल सॉस बनाने का तरीका। नूडल्स को फ्राई करें और निकाल लें, फिर एक पैन में तेल गरम करें, इसमें चीनी डालकर घुलने दें, फिर इसमें हरी प्याज डालकर फ्राई करें। अब इसमें एक एक करके गाजर, बेबी कॉर्न, हरी शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मशरूम, पानी, हरी प्याज के पत्ते, लेमू के पत्ते, सिरका, हरा धनिया और चिली सॉस डालकर अच्छी तरह पकाएं। आखिर में कॉर्नफ्लोर का घोल डालकर पकाएं और नूडल्स के चारों तरफ निकालें, सजाकर सर्व करें। नाज़रीन, अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें 6 रेसिपीज और इनाम जीतना